तो सर स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा सा उनको अपने बारे में बताइए, अपनी फार्म की जगह के बारे में बताइए। हरीश जी नमस्कार, आपका और आपके सभी चैनल के दर्शकों का अपने फार्म पे स्वागत है। जी सर, कहाँ पर है अपना गांव, कौन सा है, और ये थोड़ा सा बताइए, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए सर। हरीश जी मेरा नाम कुंदन सिंह है जी, वैसे बनाजी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपना फार्म नागौर डिस्ट्रिक्ट के परबसर तहसील में मानपुरा गांव है, जो अजमेर से 40 किलोमीटर पड़ता है। बहुत अच्छा। और मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों के कि एज अ प्रोफेशन ये एक सोल्जर हैं, फौजी हैं, देश की सेवा करते हैं, और साथ में पशुपालन का भी इनको बहुत अच्छा शौक़ है। और आप बकरियां देखेंगे तो आप भी तारीफ़ करेंगे कि जिस तरीके से इनका कलेक्शन है और जिस तरीके से ये काम करते हैं, बिल्कुल काबिले तारीफ़ है। तो सर जैसे कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हरीश जी आने के लिए जो बादशाह अजमेर पास में पड़ता है, अजमेर से 40 किलोमीटर है जी रेलवे स्टेशन, और बाकी ऐसे पुष्कर से 25 किलोमीटर है जी, और किशनगढ़ से 30 किलोमीटर बहुत अच्छा। तो सर शुरुआत करते हैं भाई, पहले मैं थोड़ी सी आपकी बैक हिस्ट्री के बारे में जानूंगा, फिर अपन बकरियों पर आएंगे जी। आप कब से इसमें जुड़े हुए हैं, और बकरियों पे आने पर क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि यार बकरी पालन करना चाहिए, या बकरी पालन से आप जुड़े हुए हैं, ये थोड़ा सा बताइए जी। हरी जी इस बात ऐसी है कि बकरियों का पहले से शौक था जी, और पहले भी रखते थे पापा, तो उसके बाद में ये कि पहले लो क्वालिटी की बकरियाँ थी, उससे धीरे धीरे क्या है कि थोड़ी बहुत अच्छी ब्रीड लाइन की बकरियाँ हमने खरीदी, और उसे बचत भी ठीक है, और थोड़ा बहुत इन जानवर से लगाव भी है। लगाव तो मैं देख ही रहा हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा। तो सर जो आपने बकरी पकड़ी हुई है, इसी से शुरू करते हैं, और बताइए थोड़ी सी इसकी खूबी के बारे में बताइए हमें, हमारे दर्शकों को बताइए। हरीश जी ये प्योर अजमेरा ब्लड लाइन की बकरी है, और ये अब की बार दूसरा ब्यात पे है, दूसरे ब्यात पे। पहली बात ब्यात पे सर कितने बच्चे लेकर आए थे? दो बच्चे दिए थे, दो बच्चे पहली बार में। बहुत अच्छा। और क्या मिल्किंग कैपेसिटी रही होगी सर इसकी? मिल्किंग कैपेसिटी 2 kg प्लस है पर टाइम, 2 kg प्लस है, बहुत अच्छा। और ये दोनों शायद बच्चे ही हैं? ये फीमेल है, इसी के हैं? ना नहीं, दूसरी के, इसी के नहीं है। अच्छा, ये लगभग 3.5-4 महीने की हो गई। बहुत शानदार। तो सर थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताइए, अभी ये अपने दूसरी बकरी पकड़ी हुई है, अपने पास कब से है और क्या इसकी डिटेल है? रिश जी अपने पास 3 साल से अपने पास है जी, और अब की बार तीसरी बार बच्चे देगी। बहुत अच्छा। और इसने 2 बार बच्चे दिए, दोनों बार 3 दिए इसने, और प्योर अजमेरा ब्लड लाइन की बकरी है। बिल्कुल, आप इसका फेस क्वालिटी आप देखिए, मासूम सा चेहरा है, बिल्कुल शानदार। पंच देखिए आप इसका, गर्दन देखिए, और फिर ये जो अपन बैंड की बात करते हैं, बहुत बढ़िया शानदार। क्या उम्र होगी सर इसकी? इसकी उम्र लगभग 3.5 साल के आसपास है। 3.5 के आसपास। हाँ। दो बार बच्चे लिए सर आपने? दो बार ले, तीसरी बार देगी अब की बार। बहुत अच्छा। और ये थर्ड टाइम है अभी लोडेड? हाँ, थर्ड टाइम लोडेड है। कितने महीने की लोडेड होगी सर ये? लगभग अभी 3.5 महीने प्लस है। 3.5 महीने प्लस है। और इस बार हमें इसमें दूध की जो क्षमता है वो और देखने मिलेगी? हाँ, आपकी बार प्रचुर मात्रा में हमें थर्ड टाइम पे देखने मिलता है। थर्ड टाइम पे देखने को मिलता है, आपकी बार अच्छी होगी पिछली बार से। अभी क्या रही सर अपने पास? इसका 1.5 kg पर टाइम था। 1.5 kg पर टाइम, बहुत शानदार। ये देखिए लाजवाब चीज है, देखिए और सराहिए, बहुत बढ़िया। ये देखिए बेहतरीन। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। हरीश जी इसकी एज लगभग 7 साल प्लस है। 7 साल से है? 7 साल से है, मेरे पास 2 साल से है। अच्छा। और इसने 6-7 बार बच्चे दे चुकी है। बहुत शानदार। और दूध कैपेसिटी 2 लीटर पर टाइम है इसी के। बहुत शानदार, वाह। अब इसकी आप फेस क्वालिटी देखिए, इसकी खासियत बताइए सर हमारे दर्शकों को थोड़ा सा। खासियत ये कि इसकी ब्लड लाइन बहुत अच्छी है, और बच्चे दो तीन देती है पर टाइम।
मतलब बच्चे देने में भी बहुत अच्छी बहुत अच्छी है और इसी के ब्रीडर लाइक बच्चे बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, अभी दो तीन बंदों के पास इसी के ब्रीडर बने हुए तैयार है। हाँ हाँ, आप इन इस बेल्ट में घूमेंगे तो बना का काफ़ी नाम है और एज अ ब्रीडर है बहुत बढ़िया क्वालिटी के ये बच्चे तैयार करते हैं और एक क्वालिटी के नाम पर आप समझ सकते हैं कि भाई सबसे एक्सट्रीम क्वालिटी के इस बेल्ट में बकरियां आपको इनके पास देखने मिलेंगी। आप जैसे सामने देख रहे हैं ये देखिए क्या तैयारी है बकरी की। और अभी कितने महीने लोडेड है सर ये अभी हुई है? अभी हुई है, 30 तारीख हुई है, अभी एक महीने की होने वाली है। बहुत बढ़िया, लंबाई देखिए ना आप इसका, शानदार। ओहो बहुत खूब शांत स्वभाव एकदम। और अजमेरी में देखिए जो हम बात करते हैं गजब, जितनी तारीफ करें कम है। बहुत बेहतरीन, लाजवाब। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। हरीश जी ये अपने 1.5 साल की हो गई, 6 दांत कर लिए इसने। बिल्कुल, और फर्स्ट बार बच्चा देगी, ये 2.5 महीने के क्रॉस है अभी। एक जो बेसिक सवाल निकल कर इससे सामने आता है कि सर आप पहली बार बकरियों को कब क्रॉस कराते हैं? ये अभी हमने इसको 15 महीने बाद क्रॉस कराया, इसको 15 महीने बाद क्रॉस कराया। बहुत अच्छा, आप पूरा समय देते हैं बकरी तैयार होने का? पूरा समय देने से कि हाइट लेंथ बॉडी वेट अच्छा ग्रेंड कर लेती है, फिर बच्चे भी थोड़े बहुत अच्छे आ जाते हैं। ये अंतर देखने मिलता है कि बकरी जब अपनी बॉडी वेट के साइज में पूरे में आ जाती है तो ये फ्रेम हमें देखने मिलता है। बहुत बेहतरीन। अब ये देखिए ये बकरी, अब इसका जो फ्लैंक साइज है या हम कहें तो जो पेट का साइज है वो पूरा डेवलप हो चुका है, जिससे बच्चा देने की जो क्षमता है, बच्चे देने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। अब यही 7 से 8 महीने में क्रॉस हुई होती तो वो छोटी ही रह जाती। हाँ, छोटी रह जाती है। 8 महीने तो, में क्या कि फिर छोटी रह जाती है, फिर क्या कि बच्चे बच्चे देने में प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल, ना तो हेल्थ बनती, ना ही इतनी हाइट निकल कर आती और ना जो हमें ये चीज़ देखने मिल रही ना ये बन पाती। बहुत बेहतरीन, लाजवाब। कितने महीने की लोडेड है सर ये? 2.5 महीने की लोडेड है। 2.5 महीने की, वाह बहुत बेहतरीन। इसके बारे में बताइए साहब। हरी जी ये अपने पास 2.5 साल से है, इसने 19 बार बच्चे दे चुकी है ये। अच्छा, इसी बार अभी ये 7-8 दिन हुए बच्चे दिए हुए, अब की बार एक बच्चा दिया इसने। बहुत अच्छा, प्योर अजमेरा ब्लड लाइन में है ये। बहुत शानदार, आप ये देखिए बेहतरीन। और एज हो जाने के कारण थोड़ी सी दुबली है, बूढ़ी होने की वजह से, क्योंकि जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो क्या कि फिर शरीर कंट्रोल में नहीं रख पाती है। बिल्कुल। और अभी ये लोडेड है कि खाली है सर? अभी खाली, बच्चे दिए 7-8 दिन हुआ। अच्छा, बच्चा दिया 7-8 ही दिन हुए हैं? हाँ, 7-8 दिन अभी। ओहो बहुत बेहतरीन। कितने बच्चे लेकर आए थे सर ये? पिछली बार 2 फीमेल दी थी, अब की बार एक ही बच्चा दिया इसने, क्योंकि बूढ़ी हो गई तो दूध कैपेसिटी और बच्चे देने की कैपेसिटी कमज़ोर हो गई अभी। बहुत बढ़िया, तो जो बकरी में चीज़ होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हैं सर। बहुत अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं साहब। ये प्योर सिरोही ब्लड लाइन की बकरी है। बिल्कुल। और अब की बार 3री बार बच्चा देगी, 8-10 दिन में बच्चे देने वाली है ये। बहुत बेहतरीन। अब मैं जो चीज़ हमारे दर्शक देखना चाहते हैं वो चीज़ में मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप इसको सामने से देखिए, इसके जो फेस की क्वालिटी है वो आप देखें, कानों की लंबाई, गर्दन की लंबाई और साथ में जो सामने का पोर्शन है सीना, ये भी देखें। अब मैं इसे पीछे साइड से कवर करूंगा तब आपको अंदाज़ा लगे कि एक जो आइडियल बकरी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। ये देखें, ये निशानी है एक जो हम आदर्श बकरी मानते हैं ना कि यार बकरी ऐसी होनी चाहिए, ये सारे गुण हैं इसमें। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए जी। ये सिरोही में यानी कि ओल्ड ब्लड लाइन की बकरी है। ओल्ड ब्लड लाइन की, और आप और हैवी वेट पे है? हैवी वेट पे है। और 3री बार बच्चा देगी, लगभग 3 साल प्लस एज हो गई इसकी। एज हो गई। और मिल्किंग कैपेसिटी क्या है सर? मिल्किंग कैपेसिटी 1.5 लीटर है। 1.5 लीटर अब की बार बढ़ने की संभावना है, देखो क्या होता है। बहुत अच्छा,
बहुत बढ़िया, लाजवाब, जितनी तारीफ करें उतनी कम है, बेहतरीन। अब ये देखें,